कोतवाली दादरी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने वाले दो लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है जिसने इस कुकृत्य करने में दोनों की मदद की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को छेड़छाड़ करने, रेप करने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े कुणाल किशोर और प्रिंस शर्मा को पुलिस ने गौर अतुल्यम चौराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ दुष्कर्म की साजिश में मदद करने वाली मनीषा नाम की महिला को उसके घर से गिरफ्तार किया है। नाबालिग की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार उसकी पड़ोस में रहने वाली मनीषा ने उसे एक दिन घर बुलाया और अपने कमरे में धकेल कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वहां पर कुणाल किशोर नाम का लड़का पहले से मौजूद था। उसने उसके साथ छेड़खानी और ज़बरदस्ती की। पीड़िता ने कहा कि मैं डर गई और बाहर जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तब उसने मुझे किसी को कुछ न बताने की बात कहते हुए पैसे दिए। मैं डर गई थी इसीलिए बात किसी को नहीं बताई, अपने परिजनों को भी नहीं। इसका फ़ायदा उठाकर मनीषा ने दो बार इस तरह की हरकत की और मुझे यह कहकर डराया कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुझे बदनाम कर देंगे और तेरे घर वालों को भी मरवा देंगे। मानसिक पीड़ा से डरी और सहमी नाबालिग को उस समय बड़ा आघात लगा जब एक प्रिंस शर्मा नाम के लड़के ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया और उसके साथ छेड़खानी और बदतमीजी की। जब उसने इसका विरोध किया तो उसने कहा कि कुणाल ने तेरे साथ क्या किया है यह मैं जानता हूँ। इसके बाद पीड़िता डर गई और गाड़ी से उतरकर अपने घर चली आई। पीड़िता ने कहा कि घर आने के बाद उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। उसका कहना था कि हम लोग बहुत गरीब हैं और लोक लाज के डर से पहले पुलिस के पास नहीं आ पाए, अब हिम्मत करके आए हैं। उन्होंने दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को छेड़छाड़ करने, रेप करने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।